नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जागरूक दिल्ली में। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीतियों के तहत तो दिल्ली में पहले बने हुए सभी वाइन शॉप को बंद किया गया और प्राइवेटाइजेशन करके सभी दुकानों को प्राइवेट हाथों में सौंपा गया, जिसके तहत हर वार्ड में 3 शराब के ठेके खोले जा रहे हैं, जिसका शुरुआती दौर से ही विरोध किया जा रहा है। कई इलाके ऐसे हैं जहां रिहायशी जगहों पर भी शराब के ठेके खुल रहे हैं, वहां पर महिलाएं और स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। ऐसा ही एक ठेका आदर्श नगर इलाके के केवल पार्क एक्सटेंशन में रिहायशी जगह पर खुल रहा था, जिसका विरोध किया गया। केवल पार्क एक्सटेंशन में शराब का ठेका बंद करवाने के लिए धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें क्षेत्र के विधायक पवन शर्मा, वार्ड 16 से निगम पार्षद मुकेश गोयल, वार्ड 17 की निगम पार्षद गरिमा गुप्ता, सिविल लाइन जॉन चेयरमैन और वार्ड 18 के निगम पार्षद नवीन त्यागी, केशवपुरम जिला अध्यक्ष राजकुमार भाटिया, पूर्व निगम पार्षद नीलम बुद्धि राजा, मजलिस पार्क रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान सुभाष दीक्षित, आदर्श नगर एक्सटेंशन रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान सुरेश भला, केवल पार्क रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान अरविंद मूलचंद, पंचवटी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान अशोक मेहता, सुधार समिति केवल पार्क एक्सटेंशन से अशोक शर्मा, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन रामेश्वर नगर से नरेंद्र गुप्ता, कांग्रेस पूर्व प्रत्याशी अनुराग गर्ग, आप पूर्व प्रत्याशी गुरमीत अरोड़ा, भाजपा पूर्व जिला अध्यक्ष अजय शर्मा, शनि मंदिर समिति से राजेंद्र शर्मा, रामलीला कमेटी प्रधान विनोद तायल व अन्य सभी धार्मिक व सामाजिक संस्थाओं तथा क्षेत्रवासियों ने मिलकर शराब का ठेका खोलने का पुरजोर विरोध किया। जानकारी होने पे हम लोग सभी आपकी आरडब्ल्यू है और यहाँ के नवीन पार्षद, निगम पार्षद, यहाँ के चेयरमैन है नवीन त्यागी जी, उनसे बात करी और उनके साथ अपनी आरडब्ल्यू है और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि जितने भी थे सबसे बात की, राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक और अड़ोसी पर सबसे बात करी और हमने 9 बजे यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने की कोशिश की कि जिससे यहाँ पर ठेका जो खुल रहा है वो ठेका ना खुले। इसमें सुबह से हमारे हजारों लोग राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, पड़ोसी और सारी आरडब्ल्यू के हमारे पदाधिकारी सब यहाँ मौजूद थे और यहाँ सब ने यहाँ विरोध प्रदर्शन किया और सबको पता लगा दीजिए जो दुकान दी गई है। यहाँ का क्या निचोड़ निकला? निचोड़ जी निकला यहाँ के जो हमने जो मकान मालिक है जिन्होंने दुकान किराए पर दी थी, वो भी हमारे यहाँ आरडब्ल्यू के मेंबर हैं, सामाजिक संस्थाओं के भी मेंबर हैं। हमने उनसे बात करी, उनको बताया गया तो उन्होंने इस बात पर गौर करा और उन्होंने 2 दिन का टाइम मांगा है कि हमें 2 दिन का टाइम दीजिए, मैं 2 दिन में हम यहाँ से सामान हटा लेंगे, दुकान यहाँ पर ठेका नहीं खोलने देंगे। जिसमें हमारे नवीन त्यागी जी और जितने भी सारे हमारे साथी हैं, चंद्रशेखर शर्मा जी, अरविंद शर्मा जी और सुरेश गोयल जी और हमारे पदाधिकारी बहुत सारे हैं, सारे सबका बहुत बड़ा साथ रहा और हम उनका सबका धन्यवाद करते हैं। सर, क्या है पूरा मामला जो आपके? मैंने ये दुकान किराए पे दी थी, जो समाज वाले आए मेरे को कहा कि भैया यहाँ दुकान मत दो, मैंने उनके समाज की बातें मान के मैंने अपना किराएदार वापस किया। शराब का ठेका नहीं खुलेगा यहाँ पे? शराब का ठेका नहीं। अब क्या यहाँ जो जनता है उनके लिए क्या आश्वासन है? आपके? मेरी अपनी जनता है। चंद्रशेखर शर्मा, महासचिव केवल पार्क वेलफेयर एसोसिएशन। क्या है पूरा मामला बताएंगे सर? मामला ये है कि हमारे क्षेत्र में 0 नंबर रोड पर जो राणा SS राणा रोड कहलाता है, आदर्श नगर आजादपुर से आदर्श नगर तक ये अति व्यस्त रोड है और अति व्यस्त रिहायशी इलाका है। यहाँ शराब की दुकान, शराब का ठेका खोलने की अनुमति दिल्ली सरकार ने दी, उस शराब के ठेके को बंद करवाने के लिए पूरे आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र के पूरे RWS राजनीतिक प्रतिनिधि, धार्मिक प्रतिनिधि और सामाजिक प्रतिनिधि सब एकजुट हुए, एकजुट होकर के इस केजरीवाल सरकार की आबकारी नीति के खिलाफ हम यहाँ धरने पर बैठे, ये ठेका बंद हो उसके लिए हमने यहाँ आवाज़ उठाई। आवाज़ उठा करके और केजरीवाल के कान की जो जो मैल भरा हुआ उसको निकाला। हमने
अपने क्षेत्र के भाई अनंत राम जी को भी बुलवाया, जिन्होंने दुकान किराए पे दी थी। उन्होंने ये दुकान किराए पे दी अपने किसी निजी आदमी को। अब उन्होंने कहा है कि मैं क्षेत्र में रहना चाहता हूँ, क्षेत्र के निवासियों से मेरा कोई ऐसा विरोध नहीं है, कोई द्वेष नहीं है। मैं इस दुकान को अब किराए पे नहीं दूंगा और दो समस्या होगी हल, यहाँ कहीं आने से और हाजिरी लगाने से जो ये कोई समस्या जो हल नहीं होती। हम बैठे हैं, सभी लोग यहाँ पर मौजूद रहे तो फिर सभी अनंत राम जी से भी बात हुई, तो यहाँ पूरी है। कोई भी जो समस्या आएगी उसके लिए हमेशा आगे भी अब बात अनंत राम जी से हो ही गई है, तो अब ये काम यहीं पे होगा। और ये भगवान से हमारी प्रार्थना है कि हमें दोबारा, अनंत राम जी से भी प्रार्थना है कि दोबारा इस रूप में हमें ये ना जो फिर बैठना पड़े। बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। देखिए, इस दिल्ली सरकार ने पूरी दिल्ली को प्रदूषण से रहित, प्रदूषण युक्त करने का ठेका लिया है। यमुना में प्रदूषण, जल में प्रदूषण, वायु में प्रदूषण, और अब ये समाज को भी प्रदूषित करने का काम कर रहे हैं। आज ही केवल पार्क में हमारी पूरी टीम ने जिस प्रकार से विरोध करके ठेके का विरोध किया है जो नया खुल रहा था, ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी जन सरोकारों के साथ मिलकर जहाँ जहाँ भी ठेका खुलेगा उसका विरोध करेंगे। और नई आबकारी नीति जो दिल्ली सरकार घर घर जाकर शराब पहुंचाना चाहती है, पिंक ठेके खोलना चाहती है, हम सब उसका विरोध। देखिए, ये जो ठेके की बात है तो ये तो हम दिल्ली में कहीं पे भी नहीं खोलने देंगे। ये बिल्कुल ही असहनीय चीज़ है, क्योंकि जो इन्होंने अपनी रणनीति बना रखी है दिल्ली को बर्बाद करने की ठेके खोल के, तो ये तो जैसे अभी हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष जी ने भी बताया है कि जो हमारा ये केवल पार्क है इसके अंदर रिहायशी इलाके में इन्होंने एक ठेका खोल दिया, तो उसको हम बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा उसका विरोध कर रहे हैं और उसको बंद भी करवाया। सरकार जगह जगह ठेके खुलवा रही है, उसमें आपका क्या कहना है? दिल्ली सरकार ठेके खुलवा रही है, हम किताबें बंटवा रहे हैं। दिल्ली सरकार की जो शराब नीति नहीं आई है जिसमें स्थानीय लेवल पर हर वार्ड में ऐसी ही जगहों पर ठेके खोल दिए हैं जहाँ पर जो युवा है हमारा वो बहुत ज़्यादा उनको खराब करने की उनकी तैयारी है और महिलाओं के लिए बहुत कष्टदायक वातावरण बनने वाला है। तो मैं इस शराब नीति का घोर विरोध करता हूँ, निंदा करता हूँ। और जो आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में केवल पार्क एक जगह है, वहाँ पर जो ठेका उन्होंने खोलने की प्रक्रिया शुरू की है उसको तुरंत रद्द करने की मैं मांग करता हूँ। जो नीति केजरीवाल सरकार केजरीवाल जी लेकर आए हैं उसका हम जोर विरोध करते हैं। ये ऐसा लग रहा है कि मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से सबको बताना चाहता हूँ, केजरीवाल जी ने एक नया स्कूल नहीं खोला, हॉस्पिटल नहीं खोला, कॉलेज नहीं खोला, लेकिन वो दिल्ली के अंदर नए 850 ठेके खोलने में कामयाब हो रहे हैं। वो दिल्ली को संस्कारित, तो युवाओं को संस्कार तो क्या सिखाएंगे, वो नशे में रोकना चाह रहे हैं। इसका जितना विरोध करा जाए उतना कम है। मेरे को ऐसा लगता है कि इसका जनता इतना ऐसा तगड़ा विरोध करेगी आने वाले दिनों में, किसी भी पीक में केजरीवाल डबल डिजिट में नहीं आने वाला है। बहुत लोगों में विरोध है। अगर मैं आपके चैनल से एक और केजरीवाल को सलाह देना चाहता हूँ, अगर आपको रिहायशी कॉलोनी में ही ठेके खोलने हैं तो सबसे पहले अपने विधायक के घर की ठेका खोलिए और अपने मुख्यमंत्री आवास में शराब बेचना शुरू करिए। आपको पता लगेगा कि इतनी समस्या